हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक एलईडी फ्लैशर बनाएंगे ऑक्टो कपलर का यूज करके। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। पहले आपको एक ऑक्टो कपलर लेना है, जो नाम दिख रहा हो ऐसे, और एक 220 UF का 16 वोल्ट का कैपेसिटर, 1K का रजिस्टर, 2.2K का रजिस्टर या फिर 5K का रजिस्टर भी ले सकते हो। ये देखो ऑक्टो कपलर को ऐसे पकड़ के देखो, जब नंबरिंग करते हैं पिन को, देखो नंबर 2 और नंबर 3 से 1K का रजिस्टर को कनेक्ट करना है। ये देखो वो सिंपल है, मैं आपको वीडियो के एंड पे डायग्राम पे दिखा दूंगा, आप वहाँ से देख के कर सकते हो। ये देखो मैंने सोल्डिंग कर दिया, क्या करेंगे कैपेसिटर लेंगे, नंबर 1 और नंबर 3 पिन पे सोल्डिंग कर देंगे। आपको डायग्राम देख के कर लेना है। ये देखो मैंने कर लिया, देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो 2.2K का रजिस्टर लिया था उसे लेना है, देखो ये 2.2K का रजिस्टर है। इसको क्या करना है, जो ये 2.2K का रजिस्टर को ऑप्टो कपलर के लेग नंबर 1 पे कनेक्ट कर देना है। अब आपको ये देखो एलईडी लेना है, एलईडी का पॉजिटिव को जो रजिस्टर का लेग बचा था वहां पर कनेक्ट कर देना है, ये एलईडी के नेगेटिव को ऑप्टो कपलर के लेग नंबर 4 पे कनेक्ट कर देना है। अगर फिर आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। अब इसमें पावर सप्लाई देख के देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है। देखो इसका डायग्राम, अब इसको देख के बना सकते हो। चलिए इसको पावर सप्लाई देख के देखते हैं। ये देखो मैं यहाँ पर 4 वोल्ट का यूज कर रहा हूँ। देखो पॉजिटिव तो देना है, जो एलईडी का पॉजिटिव पे देना है जो रजिस्टर कनेक्ट किया थे, और नेगेटिव पे देना है जो 1K का रजिस्टर कनेक्ट किया था ऑक्टो कपलर पे। देखो ये कैसे फ्लैश कर रहा है, बिंग मतलब एक कुछ रुक रुक के जल रहा है। देखो ऐसा बनाना है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, और बहुत सारे वीडियो पड़े हैं।